मैं कुसुम कुमारी वीडियो व्याख्यान में नवमी कक्षा का संस्कृत व्याकरण लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग इसमें विधि संधि का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप लोग दीर्घ संधि एवं गुण संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पिछली कक्षा में बताया गया था कि संधि का अर्थ है मेल, यानी दो वर्णों के आपस में मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोर आलिया देवालिया, गण जोर ईशा गणेशा। संधि तीन है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि, व्यंजन के साथ स्वर के स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि तथा विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विसर्ग के परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि अ या आ जोर अ या आ बराबर आ, हर्षही या दीर्घही जोर हर्षही या दीर्घही बराबर दीर्घही, हर्षहु जोर दीर्घहु जोर हर्षहु या दीर्घहु बराबर बड़ाओ, री जोर री बराबर डबल री। गुण संधि में था अ या आ जो हर्षही या दीर्घही बराबर ए, अ या आ जो हर्षहु या दीर्घहु बराबर ओ तथा अ या आ जो री बराबर अर। गुण संधि ये वृद्धि संधि, आज हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है तथा अ या आ के बाद ओ या अ हो तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, यही वृद्धि संधि होती है। जैसे अ या आ जोर ए या ऐ बराबर अल, तो पहले हम लोग अ जोर ए बराबर ऐ इसका उदाहरण कर लेते हैं। अत्र जोर ए बराबर अत्रय, एक जोर एकम बराबर एकैकम, अद्य जोर ए बराबर अद्यय, मम जोर एषः बराबर ममैषः। इसमें एव का अर्थ होता है ही और एषः का अर्थ होता है यह। इसके बाद है ओ आ जोर ए बराबर अय, तो तथा जोर ए बराबर तथैव, सदा जोर ए बराबर सदैव, माला जोर ए का मालय का। इसी तरह से फिर आ गए हम लोग ओ जोर अय बराबर अय, भारत जोर ऐक्यम भारतैक्यम, जन जोर ऐक्यम ऐक्यम का अर्थ होता है एकता जनैक्यम, देव जोर ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, इंद्र जोर ऐरावतः इंद्रैरावतः, ऐरावत मीन्स होता है हाथी, इंद्र का हाथी। इसके बाद फिर हम लोग आ जोर ऐ बराबर ऐ, महा जोर ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। इसी तरह से फिर ओ या आ जोर ओ या औ बराबर औ, तो ओ जोर ओ बराबर औ, तो जल जोर ओघा बराबर जलौघा। ओघा का अर्थ होता है समूह या ढेर। तंडुल जोर ओदनम तंडुलौदनम, ओदनम का मीन्स होता है भात, तंडुल का अर्थ होता है चावल। इसके बाद आ जोर ओ बराबर औ, गंगा जोर ओघ गंगौघ, ओघ का अर्थ समूह। महा जोर ओघ महोघ, विद्या जोर ओजह विद्योजह, ओजह का अर्थ होता है तेज या बल। महा जोर ओजह महोजह,
औ जोर औ बराबर औ, जन जोर औदार्यम जनौदार्यम, जन का अर्थ होता है लोग, औदार्यम उदारता। इसी तरह से परम जोर औदार्यम परम औदार्यम, आ जोर ओ आ जोर औ बराबर औ, महा जोर असुक्यम महौसुक्यम, विद्या जोर असुक्यम विद्योत्सुक्यम। तो असुक्यम का अर्थ होता है उत्सुकता। मम जोर औदार्यम महा जोर औदार्यम महोदार्यम, महा जोर औषधम महौषधम। ये हो गया। इसके बाद वृद्धि संधि लिखने से पहले इन पदों को याद कर लीजिएगा, जैसे बचपन में आप याद की थी ऐसे एरी ऐसे ऐनक आदि, इसी तरह संस्कृत में ए से एव एकह एषः, ऐसे ऐक्यम ऐश्वर्यम ऐरावतः, ओ से ओघः ओदनम ओजः, औ से औषधम औदार्यम औसुक्यम। गृह कार्य संधि की परिभाषा एवं उसके भेद लिखो। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 16।